मेरा नाम सुरेंद्र कौर है, मैं लगभग 40 साल से खाना बना रही हूँ। और ये देखो राजमा इस इन रात पर पंजाबी बोला के हिंदी दसो ना ठीक की करना क्यों राजमा को रात भर भिगो दो सुबह उसको बोलो हल्का सा नमक डाल दो उबाल लिया जब थोड़े गल गए तो फिर उसको मसाला बनाया अदरक लहसुन को उसमें कूट लिया इसलिए कि उसकी स्मेल मैं खोलो ना खोल नहीं रहा ठीक है पानी पोना नमक आप पे पाओ बाद मैंने कहूंगी नमक ज्यादा करता गोल्डी ने चुटकी भर नमक ओके की करना होने कितनी सिटी देनी है हाउ मेनी सिटीज 3-4 फिर की करना की है होने एदा की करना है इन प्याज में बारीक बारीक काट लो इधर अदरक लहसुन है अच्छी तरह कूट लो क्योंकि अगर इसमें कूट के बनाएंगे तो अच्छी स्मेल आती है वैसे तो मिक्सी च भी पीस सकते लेकिन कुटन का स्वाद अलग होता है अंडरस्टूड अंडरस्टूड मम्मा अंडरस्टूड अंडरस्टूड सो मम्मास बाइसेप्स वी ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल यू सी मम्मास बाइसेप्स So these are, ये फैमिली बाइसेप्स है पता है क्यों बने ये दूध दो दो के बने जो हम लोग के फैमिली में कहते हैं कि अगर हाथ कमजोर है तो दूध दुहाओ तो, हाँ तो गाय भैंस का दूध होते ना तो अपने आप ये बाइसेप्स बन जाते मम्मा के जो डोले हैं ना ये सब दूध इतनी निकाल देते प्याज बारीक बारीक कट लो क्यों कद्दूकस कर लो आप तो कद्दूकस कर दो मैंने कद्दूकस कर लो तो एक राजमा च कितना प्याज जे आप 6 लोगों वास्ते बना रहे 4 लोगों वास्ते बना रहे तो तीन प्याज डाल है बड़े प्याज तीन बड़े प्याज यस टमाटर कितना अगर 4 लोगों का राजमा बनाना है तो तीन टमाटर डालो सो द फर्स्ट थिंग दैट आई मेड व्हेन आई वाज अ किड वाज अ राजमा बिकॉज मम्मा राजमा इतना अच्छा बनाती है ना कि वो मम्मा को राजमा बनाते बनाते देख के समझ में आ गया हाँ भाई राजमा कैसे बनाते जब भी कुछ टेस्टी बनाने का मन होता है तो राजमा बनाते क्यों गर्म हो गया ना थोड़ा सा जीरा पर अब डालो अदरक अब पाओ प्याज हाँ धीमी धीमी आग पे पकाना क्योंकि इसकी खुशबू बेकरार रही बरकरार रहे बेकरार नहीं बेकरार तो हिंदी पिक्चरों में होता है बरकरार थोड़ा फन गोल्डन थोड़ा ब्राउन हो जाने दो ये सारा काम एक्चुअली मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा क्योंकि घर में सबसे छोटी थी घर में काम करने का मौका नहीं मिलता था माँ थी भाभी थी दो बड़ी बहनें थी तो कभी नंबर आता ही नहीं था करने का जब शादी होकर आई जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद सबसे बड़ा एडजस्टमेंट क्या किया बहुत सारी चीज़ों का गांव तो आके शहर जाना तो मदर इन लॉ का थोड़ा स्ट्रिक्ट होना कई चीज़ें सी जो कई काम मैं बिल्कुल जिंदगी च नहीं किए थे वो भी करने पे घर का माहौल मतलब अलग था एटमोसफेयर तो एडजस्ट करने से टाइम लग गया लेकिन हौली हौली मैं एडजस्ट कर लिया हालात मुताबिक क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप हालात को बदलना चाहते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते वो बदली जगह बेहतर हो जाते तो फिर कई बार सोचना पैंदा है कि चलो थोड़ा हालात के मुताबिक चलो जिसके एटमोसफेयर पीसफुल रहे तो उस हालात में मैंने एडजस्ट किया तो नाउ आई एम वेरी The struggle that they've gone in to adjust from one family to another, and you cannot definitely escape the love. देखा पहले गल गए कि नहीं? बढ़िया गल गए and first class. देखा मैंने कहा था ना?
अब ये मसाला भूज रहा है, घी छोड़ रहा है, हल्की हल्की अच्छी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि मसाला भुजने को बिल्कुल तैयार है। अब इसको अच्छी सांप मिला दो, अच्छे से भून दो इसको। थोड़ा सा पानी डालो। डन? यस बस। फोन फिर? थोड़ा सा पानी फोन ला जब ये क्या हो छड़न, जब ये घी छोड़ देंगे ना तो उसमें राजमा पलट देना। हो गया बेकरार राजमा रेडी। बस हो गया। बस खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है सुरेंद्र कौर। ये पंजाबी खुशबू है। मेरा ख्याल तैयार है गोल्डी। मैनू नहीं पता। हाँ तैयार है। मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ। मैं हाँ? तो खड़ा होकर बकबक कर रहा हूँ। बेकरार राजमा देखो, इसका राजमा का कलर देखो ऊपर कैसे है। बहुत स्वाद है। मैं क्या थोड़ा अदरक डाल देंगे ना ऐसे बारीक बारीक मम्मा के राजमा पे। आ लो जी राजमा चौल, ठीक है ना। बस